एरिना एनिमेशन इंस्टीट्यूट, जहां विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित हैं, जैसे एनिमेशन VFX, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, डिजिटल आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग, जिका कई के अपना कह सकी थे आपन सपनन का साकार। हम मौजूद हैं वह जगह का कहा जात है रीवा के रिंग रोड। यह रिंग रोड मौत के रिंग रोड है। शासन जानत है, प्रशासन जानत है या व्यवस्था जानत ही, रफ्तार वाले वाहन आवत है और पटरीन माँ अनियंत्रित हो के वाहनन के अंदर घुस जाते हैं। यह मौत के रिंग रोड के व्यवसाय जो है फल फूल ही रहा है। होते हैं और वो वहाँ व्यवसाय करते हैं, रेत का, रेत को खरीद फरोख्त का व्यवसाय करते हैं। वहाँ वाहन का खड़ा होना यातायात का वो अवैधानिक है, रेत का क्रय विक्रय अवैधानिक नहीं है उसके लिए। यदि कहा थे ना, एक बघेली में बड़ी कहावत थी कि चुल्हवा महा गए कहे फिर सनीचर लहटा है, यह आए है। लेकिन जिम्मेदार गहरी नींद माँ सोए रहे। एमा गाड़ी खड़ी रहती है सड़कन, कल अपना का देखी रही पूरी गहाइबा बालू से लोट खड़ी है। यह तो दुर्घटना के सबसे बड़ा कारण यहाँ है, रिंग रोड का पूरा तरह से बालू के मार्केट बना दिन का सड़क में पूरी बाजार चला थी अपना वहां से। मरे के बाद यह है कि मुआवजा दे देते थे, मुआवजा हुआ अपना जाई 4-6 साल 10 साल कोर्ट के चक्कर काटी, वकील का परसेंटेज दे। इतना होते हैं जब सामने पड़ जाते हैं तो रात में चढ़ा देते हैं गाड़ी वोड़ी, वजह से इनकर इतनी हिम्मत इतनी बुलंदी कि खुलेआम सड़क पर ये RTO वालों को पैसे देते हैं, पुलिस को पैसे देते हैं। हाँ, मैं खुद बोल सकता हूँ, RTO आएगा कुछ वैसे 2 मिनट रुकेगा माल ले चला जाएगा। यहाँ महीना माँ 4-5 मौत होती है। तो हम पहुँच गए हैं ट्रकन के लगे, जहाँ अपना यह सड़क देख सकती थे और यह सड़क के पटरी में खुलेआम देखी कैसा अतिक्रमण कींदा है। रेत में ऐसी खेती नहीं होती है। हाँ। खड़ा तो कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के विंध्य में एक संभाग है रीवा, जहाँ हम मौजूद हैं वह जगह का कहा जात है रीवा के रिंग रोड। यह रिंग रोड मौत के रिंग रोड है। यह बे शासन जानत है, प्रशासन जानत है या व्यवस्था जानत ही, सरकार जानत है, लेकिन यह मौत के रिंग रोड के मौत के कहा जाए सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। हमें से कही लागे काहे कि यह अपना सड़क देखी रहे हैं और हम कहब कि हमारा सहयोगी ऊ पार देखा मैं जो एक फ्लाईओवर देखी लागे वह सीधी कह जात है और सामने एक वस फ्लाईओवर के सामने एक 2-3 ट्रक खड़े हैं जो पूरी तरह से सड़क के किनारे खड़े हैं। इस सड़क के किनारे खड़े रेत से लदे हाईवा रोजाना मौत का दस्तक दे थे। यह बात हम ऐसे कही लागे कहे कि खुलेआम एमा रफ्तार वाले वाहन आवत है और पटरीन मा अनियंत्रित हो के वाहनन के अंदर घुस जाते हैं, जौने से अमूमन अपना समझे यदि यह बात का तो 4-5 मौत यह रिंग रोड माँ हर महीना होती और 15-20 लोग हर महीना घायल होते। यह पूरी रिंग रोड के आज अपना का वास्तविक सच्चाई दिखाऊ। रीवा माँ पुलिस, खनिज, RTO सब के मिली भगत से यह मौत के रिंग रोड के व्यवसाय जो है फल फूल ही रहा है, लेकिन जिम्मेदार गहरी नींद माँ सोए रहे हैं। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल बा हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह मौत के रिंग रोड रीवा के, जेका बनावा था लोगन के सहूलियत की तिरगा रहा, लेकिन खुलेआम अब यह मौत के रिंग रोड बन रही है। हमारे साथ एक व्यक्ति है, का शुभ नाम है अपना? समीर सिंह बघेल। समीर भैया ये बताइए कि यह अपना कहाँ रहित कहाँ? हम सोनौरा में रहित भैया। सोनौरा में यह सड़क के उपयोग खूब करी थे? होएगा, हर मंगलवार को चिरहुला नई जाई थे, चली जाई थे। यह बताइए सड़क के किनारे एमा गाड़ी खड़ी रहती है सड़क में? कल अपना का देखी रही पूरी गहाइबा बालू से लोट खड़ी है जी, रोज डेली गाड़ी है पूरे साइड में अपना, यहाँ से चले जाई सीधे बाईपास तक, दोनों साइड गाड़ी परमानेंट खड़ी मिली है अपना का बालू से लदी। नहीं तो यह बताइए एक ही वजह से दुर्घटना होती कि नहीं हो? अब यह तो दुर्घटना के सबसे बड़ा कारण यहाँ है। हाँ। अब मेन रोड में गाड़ी अपना के सामने न्यूहाउस साइड, यह साइड दोनों साइड लगी हैं, तो यह तो साफ साफ दिख रहा है।
मैं बतावे की जरूरत नहीं है कोनो मेर से। नहीं तो ये बताइए कब से ये में अपना दिख रहे हैं? यह मार्केट है बना दीन का है खा बालू की, रिंग रोड का पूरा तरह से बालू के मार्केट बना दीन का। और सड़क में बालू की ये बाजार चला था? सड़क में पूरी बाजार चला थी अपना, वहां से बाईपास से निचली तो यह रोड तक अपना का पूरा सिचुएशन देखे का मिली। नहीं तो ए माँ जिम्मेदारियाँ बताई, जब ए माँ 4-5 मौत पर महीना हो रही है, रोज ए माँ दुर्घटना होती, एक्सीडेंट होते, और ए माँ 15-20 लोग हर महीना घायल होते, यह बताई जिम्मेदार का नहीं दिखाता है? मतलब अधिकारी अफसर पुलिस RTO खनिज विभाग सवे की गाड़ी वाहन में से निकलती, मंत्री मिनिस्टर हर आदमी गुजरत है, ऐसा तो है नहीं कि कहूँ ना गुजरत हुई, तो फेरा कहूँ की नजर ए माँ नहीं पड़ रही है। वजह का लागत थी अपना? अब वजह है मैं कहा बताई अपना कब वजह पा रहे हैं कहा बराबर वजह तो अब साफ दिख ही रहा है, कहो ना कहो कुछ ना कुछ दाल में काला तो है मार्केट में पहुंच रहा है बराबर, तो चाहे लोग मरे या जिए ऐसे फर्क नहीं, कोनो दिक्कत नहीं। भाई किससे दिक्कत होते मैं कुछ ना कुछ कार्रवाई हो, आज या आज 3-4 साल से कंटिन्यू चल रहा है, कोनो ना कोनो में कार्रवाई हो, कोनो कार्रवाई नहीं हो रही है पूरी है, कहीं मार्केट अपना के बढ़ रहा है उसके बाद ये सब चीज़ों में कोनो ध्यान नहीं दिन जाए शासन प्रशासन द्वारा। निश्चित तौर पर अपना के द्वारा बड़े बेबाकी से यह बात का कहा गया है, और निश्चित तौर पर समझी कि 3-4 साल हो चुके हैं और यह पूरी सड़क का अब बालू के बाजार बना दिन गया है, रेत के अवैध बाजार बना दिन गया सड़कें में। सबसे बड़ी बात की पटरीन के उपयोग यह है कि एमा बेहतर तरीके से लोग जो छोट गाड़ी है मोटरसाइकिल पैदल वाले ये पटरी के उपयोग करें, नहीं हालात यह हैं कि ओकर उपयोग तो दूर के बात खुलेआम एका बाजार में तब्दील कर दीन गा है। अपना का चली थे हम करीब से दिखाई थे कि यह बाजार कैसा फल फूल ही रहा है, और लोगन के जान का खुलेआम जो है दाव में लगा बाजार लाग है। आगे अपना देखे लगे हम कहा कि हमारा सहयोगी जूम करके ओका दिखा मैं कि ओठे 3-4 गाड़ी लगातार खड़ी है रेत से आए? और आगे अपना बढ़ा चले जाओ तो पूरे मार्ग के रिंग रोड में इसी तरह की गाड़ियां खड़ी मिलेंगी। हाँ यहाँ से आपको वहाँ नहीं तो आम जन का समस्या है कि नहीं? समस्या हर व्यक्ति को समस्या है, गाड़ियों वाले का समस्या है, पैदलों वाले का समस्या है, लेकिन यह कोहू की नजर में देखा आई नहीं रहा कि समस्या आम जनता को में भोग रही है, रोज मर रही है, रोज का हो रहा का नहीं हो रहा एक कोहू नहीं देखे वाला है। सबसे बड़ी समस्या यह है मरे के बाद यह है कि मुआवजा दे देते था, मुआवजा हुआ अपना जई 4-6 साल 10 साल कोर्ट के चक्कर काटी, वकील का परसेंटेज दे तब जाके अपना के केस कहां न कहां फाइल बढ़ी आगे, तब जाके 10-20 साल में तो मुआवजा कौने काम की जब 10-20 साल में वो मुआवजा मिली था। चलिए बिल्कुल सही बात है, सोची कि महज कंपनसेशन दई के सरकार तो अपन पल्ला झाड़ी लेती, मगर सोची का ई में घटना से सरकार सीख लेती कि नहीं, सिस्टम सीख ले थे कि नहीं। अबे बीते दिन यहाँ सड़क सुरक्षा सप्ताह चला बागा, यह सड़क सुरक्षा सप्ताह के उद्देश्य यह रहा कि दुर्घटनन का कैसा कम कीन जाए। अपना देख ले कि यह सड़क सुरक्षा सप्ताह की यह हाल है कि खुलेआम पटरीन पर वाहन खड़े हैं लेकिन कौनो जिम्मेदार का यह दिखाई नहीं रहा है। यह आए रीवा के हकीकत जो खुलेआम दुरहु हाथन से आम जनता के जिंदगी दांव में लगाए के लूटा जा रहा है, और लूटे भर नहीं खुलेआम अवैधिक व्यापार का सड़क माँ करे के खुलेआम छूट दीन गई ही। एमा सवाल खड़े होते वह खनिज विभाग से, वह पुलिस प्रशासन से, वह RTO विभाग से कि काहे वह गहरी नींद में सो रहा है और खुलेआम यह तस्वीर यह में दुर्घटना के स्थिति जो है खुद निर्मित कह रहा है। अपना सड़क के किनारे खड़े वाहनन का देख के अंदाजा लगा सके थे। हमारे साथ कुछ युवा हैं थे, का नाम है अपना? कैसा ही अनिल लोनिया। कहाँ घर है अपना के? हमारा सीधी से आगे हटवा अमरपुर। तो यहाँ का करी ला है? यहाँ बस माटी चिमटी काम करते हैं, माटी उठी है। अच्छा तो ये घर कहाँ ले है? मड़ैया सामने है आपका, ये सामने। अच्छा ये जहाँ? हाँ ये सामने मड़ैया आप। ये बताइए ये सड़क माँ गाड़ी खड़ी होती है कि नहीं?
खड़ी बहुत होते हैं गाड़ी इधर। ऐसे घटना दुर्घटना होती कि नहीं? ये बहुत होती है दुर्घटना, होती है जब सामने पड़ जाते हैं तो रात में चढ़ा देते हैं गाड़ी वोड़ी। नहीं, जैसे ये पटरी में गाड़ी जो खड़ी होती है ओके वजह से घटना दुर्घटना होती कि नहीं? होते हैं सर, घटना बहुत होते हैं। हाँ। कौनो गाड़ी स्पीड में आई, गाड़ी खड़ी है तो भिड़ गए होती दुर्घटना होती होती है दुर्घटना। कई साल से यहाँ रह रहे? चलिए और हम लोगन से जाने के प्रयास करी थे, कहे कि यह एक बेहद बड़ा मुद्दा है, लोगन के जान से जुड़ा मुद्दा है, आम लोगन के जान कैसा सुरक्षित हो ये कर काम आए प्रशासन के, सरकार के, पुलिस के, आरटीओ के, इनकर जिम्मेदारी आए, लेकिन अपने जिम्मेदारी से ये पूरी तरह से दूर भाग रहे हैं और सिर्फ दिखाए रहा है तो मोटी रकम, और वह रकम दे के चाहे लोगन के जीव ले लें चाहे जहान ले लें। कहा शुभ नाम है अपना? मेरा नाम दिनेश डायमंड है। कहाँ से है अपना? मैं आपके रतहरा आर टी ऑफिस पास। अच्छा, यह बताइए यह सड़क के अमूमन उपयोग करी थे अपना? बहुत, मतलब दिन में 20-30 बार यहाँ आता हूँ। अच्छा, और कहीं भी इतनी असुविधा है, हर जगह ट्रक ना कोई कुछ नहीं, ना लाइट, रात को निकलते हैं घूमने। हाँ। ना कोई लाइट भी नहीं है, ना नाली है, कुछ भी नहीं है। नहीं, यह जो सड़क के किनारे ये गाड़ी खड़ी होती है रेता वाली, एका का कहा? हम एका चाहेंगे कि ये जो गाड़ियाँ यहाँ खड़ी कहीं ये व्यवस्थित जगह एक जगह साइड में हो जाए, क्या किससे दुर्घटना बहुत हो, पिछले साल यहाँ पे 2 लोगों की मौत हो चुकी है और मेरी रिश्तेदार थे उनकी मौत। हाँ, ये पे जस्ट यहीं पे मौत हुई थी। यह रेता वाली बस, नहीं वो हाईवा था ये। हाँ, हाईवा थे। हाँ, रेत के हाईवा खड़े रहे वो। जी जी। हाँ, माताई बेटा दोनों मौत उनकी हो गई है, पटेल जी थे हमारे, वो मित्र थे जी। चलिए, तो कुल मिलाए कि यह जो हालत है, यह सड़क के किनारे खड़े यमराज हैं, इनसे अब अपने गर्जन अपना बची, काहे कि यदि अपना पुलिस आरटीओ इनके सरकारन के भरोसे रहा तो अपना खुले आम जो है यह मान के चली मौत के मुंह में जाब, इनकर भरोसा छोड़ी अपन अपने ऊपर भरोसा रखी, उठो का नियंत्रित रफ्तार में गाड़ी चलाई, काहे कि पटरी पर यमराज खड़े हैं, यह हम नहीं कही अपना यमराजन का देख सकते, काहे कि हाईवेज के या रिंग रोड आए और एम से सीधी के रोड जाती, एक थे गोविंदगढ़ के रोड जाती, और अपना समझी कि यह सड़क जो है एक बेहद व्यस्ततम सड़क मानी जाती और यह सड़क में पटरी ऐसे बनाई गई कि आम जन उमत चल सकें, मोटरसाइकिल वाले चल सकें, लेकिन पटरी में खुलेआम अतिक्रमण है, वो कर उपयोग रेत के अवैध मंडी चलावे की तिरकी इंजन लाए। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, बिल्कुल भाई साहब, मैं आपसे मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, इसके आगे टोल प्लाजा के पास जाएंगे आप तो वहाँ पे कम से कम 20-25 ऐसे ठेकेदार हैं जो रेत की मंडी लगाते हैं, ईंटा रेत की मंडी रोड में लगाए हुए हैं, सरकारी रोड में, जो कि इनको चाहिए कि व्यवस्थित होकर कहीं साइड में लगाएं, दूर लगा मैं सड़क छोड़ के। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरा निवेदन यही आप लोगों से कि ये जो ट्रक हाईवा है ये रोड से दूर हो जाए, कहीं भी जाएं, मतलब किसी के घटना में किसी मौत ना हो, हर व्यक्ति अच्छे से आवाज जा बना रहे। या बताई का अपना का लागत है कौन वजह से इनका इतनी हिम्मत इतनी बुलंदी कि खुले आम सड़क ये आरटीओ वालों को पैसा देते हैं, पुलिस को पैसा देते हैं। हाँ, मैं खुद बोल सकता हूँ, आरटीओ आएगा कुछ वैसे 2 मिनट रुकेगा माल लेके चला जाएगा, ऐसा यहाँ पे है, मतलब वो पुलिस आरटीओ खनिज सब सब भैया सब मिले हुए हैं। हाँ। अब यहाँ पे आप देखे परमिट चेक करें, किसी का रमन्ना नहीं है बालू का, लेकिन फिर भी रोड में लगाए हुए हैं और ये रात को बालू खाली भी करते हैं और फिर भी रोड में लगा देते हैं। अच्छा, तो यही थे पूरा बाजार है बना है बालू, बस यहाँ पूरा रिंग रोड अपना लोहिस लेके आरटीओ तक पूरे हार खुलेआम बालू बिक रहा है। खुले बिक रहा भैया, खुलेआम बालू बिक रहा है उस सड़क मां खड़ा कहीं के। हाँ, बिल्कुल, ट्रक वाले रोड में खड़ा बेचल रहा बालू गुंडाई से। हाँ, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, उनसे क्या फर्क पड़ता है, उनका पैसा कमाए गया बस होगा, शासन का पैसा जाए, सरकार का पैसा जाए, ऐसे में का मतलब कि जनता का कर लग जिया लगी मरा लगे, ऐसे का मतलब उनका। चलिए, कुल मिलाए कि अपना का आंकड़न में सूत्रन से प्राप्त आंकड़ा जो है ये रिंग रोड के मौत के आंकड़ा का है वह बताए दी थे, यहाँ महीना में 4-5 मौत होती हैं और लगभग एक महीना में 15-20 लोग घायलों होते, अपना समझी कि ओकर सबसे बड़ी वजह इन पटरी में खड़े जो है वाहन सीधे मौत का न्योता दे थे। तो चलिए, अपना कब हम वो दिखाए थे अवैध मंडी जेका देख के अपना के खुद होश उड़ जाई कि यह सड़क आए या रेत के अवैध मंडी आए, या अपना देख सकी थे कि लोग यह सड़क में चले का मजबूर है जो पूरी तरह से एक अतिक्रमण के या रोड शिकार ही जिम्मेदार व सड़क पर
नजर तक नहीं जा रही है। तो चलिए अपना कब हम दिखाई थे वह सड़क, तो हम पहुंच गए हैं ट्रकन के लगे जहां अपना यह सड़क देख सकी थे, और यह सड़क के पटरी में खुले आम देखी कैसा अतिक्रमण किया है। ये अवैध रूप से इस सड़कन पर एक मंडी बनाए दीन गई ही, जेका अपना भली भांति तौर से देख सकी थे। हम अपना का दिखाई ला ही यह पटरी आए, जो पटरी मोटरसाइकिल और पैदल वाले लोगन खितिर हो थी, वह पटरी का खुलेआम एक रेत मंडी बनाए दीन गा है, जहां खुलेआम ये ट्रक खड़े लागे अपना देख सकी थे। ये ट्रकन का देख के अपना अंदाजा लगा सकी थे कि आखिर कौने वजह से ये ट्रक मंडी में जो इस सड़क है जौने का मंडी बनाए दीन गा है, यह पटरी में आखिर कौने हिसाब से खड़ी करत है। या अपने क्या है भाई साहब, अपना क्या है? चलिए वो जनन से हम जाने के प्रयास करी थे, अपना गाड़ी में है, कौने गाड़ी में है? बालू वाले में? हाँ, क्या नाम है? रंजीत। कहाँ से है? चोरहट से। चोरहट से कहाँ के बालू लेके आए? कहाँ से ले आए हैं बालू? बालू हमको नाम पता नहीं है, जगह के नहीं मालूम है ना, व्यवहारी से ले आए हैं कि पौड़ी से ले आए हैं? अरे हमका बात एक दिन भाई भाई आए, तो बालू लोड कैके ना ले आए हो? हाँ एक दिन भाई तो हमका जानकारी नहीं है। चलिए नहीं है जानकारी, ये बताई यह सड़क माँ पटरी माँ गाड़ी काहे खड़ी करी थी? क्या बताई हमका कुछ नहीं मालूम साहब। तो पटरी माँ गाड़ी अपने चलाई थी ना? हम हेल्पर हैं तब नहीं आई ड्राइवर? नहीं हम ड्राइवर ना हो, ड्राइवर वही कहीं बैठ लागे आगे, नहीं तो इनकर ही चिंतक वही राशि कबूतल है, चिंतन ही मगा आए रहे तो दस दिन है बालू के गई के। हाँ ये बताइए का नाव का है अपना? हमारा नाव छोटे लाल है। कहाँ क्या है अपना? हम ममदर के आए हैं। ममदर के तो अपना लय गड़िए है। चलिए ठीक है, अपना थी हम रही थे जी ऐसे। हाँ ये बताइए ये सड़क माँ पटरी माँ बालू गाड़ी का है खड़ी करवाई? तो हम का हमारे कहीं थोड़ी खड़ी कराते भाई, को खड़ा करा था मालिक मोटर मालिक जान है वो। हाँ। अब उनसे ये बताई या अपना पचे नहीं जानी, अपनों पचे पढ़े लिखे हैं, ये बताइए पटरी काहे का होती गाड़ी खड़ी करे का है? हाँ गाड़ी पार्किंग आए पार्किंग ना हो है। हाँ ये बताइए एम से एक्सीडेंट के कारण बना थी गाड़ी भाई? यदि गाड़ी खड़ी है कैसे कौन स्पीड से आई भाग गए तो ये तो सीधे घुस जाइए वो थे एक्सीडेंट की नहीं है रोड रोड में? हाँ हो जाते है रिंग रोड में एक्सीडेंट होता है। हाँ हाँ तो ये को कहे है कि गाड़ी इनका एठे खड़ी करा? अब हम तो भाई नहीं बता सके को कहे का ड्राइवर लोग कई साल से यहाँ है अपना? हम तो कहे 15 दिन से यहाँ, ज्यादा दिन नहीं आए 15 दिन से। कई ठे गाड़ी खड़ी रहती है ये मेरे रोड में? हो गई सर दो ठे चार ठे से खड़ी रहती है, ज्यादा तो नहीं रहती है। वैसे ऊपर ऊपर देख के खड़ी है, तब अब कहा कह दी कि भाई कहीं खड़ी करता है? अब चिंता नहीं मोटर मालिक के खर गाड़ी आई खरीद का है नेठे अपना? हो गए लेबर गिरी कहे थे मैं बालू लादी थे। आओ चलिए अब झूठ बोल रहे हैं, सच ऊपर वाला तो देखते लाग है। अब बालू अपना लेबर गिरी करी थे कि गाड़ी चलाई थे, ठीक है जे जैसा करी वैसा भरी, यदि ठीक है वो उनकर काम है। और यह हम गाड़ी वाले से देखी थे प्रयास करी थे कि यदि मिल जाए तो उनसे यह जानकारी ली कि आखिर इनका आदेश को दे है कि बीच सड़क में गाड़ी खड़ी करें। देखे लागे हम पटरी में चल रहे हैं, अमूमन पटरी के उपयोग होता है कि पटरी में जो है गाड़ी किनारे खड़ी करे के खातिर जो है पटरी नहीं हो कि गाड़ी वो में लगाए दे, या अमूमन टू व्हीलर और जो है साइड वाइड ले खितिरिया रास्ता होते है। लेकिन यहाँ खुले आम रेत के मंडी बन चुकी है यह सड़क, अपना देख रहे हैं कि इसमें खुले आम गाड़ी खड़ी है और गाड़ी खड़ी है जहाँ खुले आम ये थे कुछ लोग हैं उन्होंने समझाने के प्रयास करी थे। अपना यह गाड़ी में फिर नहीं आन भैया मम, ये केकर गाड़ी है? सरपंच जन की आती सरपंच ना हो लग सरपंच? अरे वही कहाँ वही यहाँ लग वहाँ ड्राइवर को है? ड्राइवर है यही बागल में। कहाँ? यही बागल। ए ड्राइवर यहाँ बा, यही नहीं ड्राइवर ये रहा था ये यहाँ बा, झूठ बोलते हैं? हाँ तो हम कहा जाने हम रहा था भैया हम कहा बता तू को हम नहीं जानते हम बस दोनों साथ है मैं हल्ला हम बस कहा जाने चली। तो यह हाल है खुले आम गाड़ी इनका सड़क के किनारे पटरीन मा जो है कब्जा कराए हैं, और वो के बाद जो जब जानकारी हम ले के प्रयास कर ला है तो बतावे का तैयार नहीं है। यह हाल है यह सड़क के जो
सीधे सीधे तौर पर अपना समझी या नेशनल हाईवे से जोड़े वाली एक रिंग रोड आए, जो एक रोड शहडोल जाती, एक सीधी जाती, एक अपना के सड़क जो है सतना जाती, मतलब कुल मिलाए कि या चारों तरफ से या शहर का जोड़े वाली एक रोड आए, जो अपना का भम दिखाई थे या अपना ठीहा दिख सकी थे। ये थे सबसे बड़ी बात चली है, वो हम लोगों से जाने के प्रयास करी थे कि आखिर एठ गाड़ी काहे खड़ी होती है, ज़रूरत यह है जाने के ऐसे काहे कि खुले आम या न प्रशासन के डर आए, न पुलिस के डर आए, न कौनो जिम्मेदारन के डर आए, डर ना होए की वजह से या पूरे रोड माँ पटरी माँ खुलेआम अतिक्रमण किनगा और यह अतिक्रमण के चलते रोजाना माँ दुर्घटना होती है, लोगन के मौत होती। अब यह रिंग रोड एक मौत के रोड बन चुकी। कहाँ नाम है अपना के? राजबली। कहाँ क्या है? सीधी। यहाँ गाड़ी लेके आया है? नहीं हेल्परी करी थी। काहे माँ? हेल्परी करी थी। काहे माँ? वाह हो माँ, बालू वाले ट्रक। हाँ हाँ, गाड़ी वहाँ पीछे खड़ी है। हाँ, ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर तो नहीं है। एक हम कहा देख के बता, ऐसा जग भी किया आते हैं कि है ड्राइवर तो नहीं आई कहाँ चार। यह बतावा एक रोड में गाड़ी काहे खड़ी करते हैं, रोड में गाड़ी काहे खड़ी कर देते हैं तू बच्चों? हम ड्राइवर जाना भाई, हम कहा है बनवाएंगे रोड हो। अरे हम कहाँ बनवाओ रोड, चलिए अपना यही रही थे। का शुभ नाम है अपना के? बीके कुशवाहा। बीके भाई, ये बताइए कि यह अपना एठे घर और है का? घर है, घर है, घर घर है। कई साल से बना है घर अपना के? यह महीने तत्काल छत डलवाई ला। एक यह रोड में कब से आई जेल लागे? यह रोड में कम से कम नहीं तो 18 साल हुई। 18 साल। यह बालू के जो गाड़ी है रेता के, यह कब से यहाँ रोड पटरी में खड़ी रहती है? यह कम से कम नहीं तो आज 8 साल हुई है। यह बाजार है, बाजार है, इनके मंडी लागत थी बारी। पटरीन में लागत थी मंडी, पटरीन। तो यह बताइए ये दुर्घटना के कारण बना थी कि नहीं? दुर्घटना के कारण है, जहाँ पर हूँ वहाँ ट्रक खड़ा कर नहीं, आजू बाजू से क्यों निकला तो दिखाता ही नहीं है, लाइन से ट्रक खड़ा कर नहीं, बीच में खड़ा कर नहीं, जहाँ पर हूँ वहाँ खड़ा कर नहीं, ऐसे दुर्घटना होती है। कहाँ लागत है, कौन वजह से इतनी इनकी हिम्मत इनकर बुलंद होती कि ये खुले आम खड़ी कह देते, ना पुलिस के डर, ना आरटीओ के डर, ना प्रशासन के डर? शुद्ध गुंडागर्दी चल रही है, केहू सुने के तैयार ही नहीं है, को सुने के तैयार नहीं है, कोहू के नहीं सुनता है। चलिए यह बताइए कि जब आज तक अपना कैठे हादसा देख चुके हैं यह सड़क पर? हादसा तो अब हम यहाँ रहते नहीं रहे, यहाँ नहीं रह रहे, अब हम कोई किराया से रही थे। किराया से रही थे, तब वो आवत जात कब सुने कि यह रिंग रोड में हादसा? हादसा नहीं भाई, यह रोड में नहीं। तो मतलब कब से अपना यहाँ उपजाब यह रोड में शुरू? 17-18 साल से आ जा रहे आई जेल लागे, मगर अपना सुने नहीं कब? ये कहीं हादसा नहीं है, ये कन्फर्म है अपना का? कन्फर्म। और वो कहीं बतावा थे कि अब इन मौत भय दुटे थे लड़का महतारी के मौत हो गए? नहीं, हमारे जानकारी में अपना जानकारी में नहीं है, यह कह सकी थे? जानकारी में नहीं है। चलिए ठीक है, अपना कहाँ रही थे, कहाँ करी थे? हम तो हमारे घर गांव गुड़ है, और यहाँ हो गया घर बनवा रहे, घर बनवा रहे। चलिए यह बताइए कि मान लीजिए अपना के घर बन जाते हैं, अपना का यह ठीक ही व्यवस्था जो सड़कन के किनारे गाड़ी खड़ी रहती है? यार व्यवस्था ठीक नहीं है। खुश है ऐसे? हाँ ऐसे खुश नहीं भाई, कहाँ मंडी अपन व्यवस्था बना में एक जगह ट्रक करे साइड में खड़ा करे, रोड में ना खड़ा करे। चलिए तो अपनों ये बात मानल लागे कि सड़क पर जो गाड़ी खड़ी है निश्चित तौर पर कहे कि बगल वाले का जब को आवत जाते निकलत खड़ा थे तो बगल की गाड़ी नहीं रखा है, और निश्चित तौर पर ये पटरी सिर्फ मोटरसाइकिल और अन्य वाहनन का साइड ले की तिरा है, ना कि एकर उपयोग या में खुलेआम अतिक्रमण के रूप में बाजार लगावे खातिर आए। हमारे साथ इठे भाई हैं जे इठ के बाजार के हिसाब से इठे अपन व्यापारों खोल ली नहीं, रेत के बाजार तराबे भा, अब इठे व्यापारों चले ला का है, कितने के धंधा हो जाते? अरे 1500 के हो जाते, हो जाते है। चली तो यह था वैसा बिल्कुल पेट्रोल पंप के वजह से हो जाते या फिर ये रेता वाली गाड़ी के वजह से? सब के वजह से हो जाता है, कोनो निश्चित नहीं है। कितनी गाड़ी खड़ी होती हुई है थे अपना के आसपास? अब नहीं खड़ी होती है, पहले हो रही है। अब यही तो मुड़न मटाड़ ही तब कहते लागे नहीं खड़ी तो अब खड़ी होती है, पहले नहीं हो रही है, पहले कहीं खड़ी हो रही है, वह स्टैंड बना रहा। अब एक पार्किंग में खड़ी होती है। कौन पार्किंग में?
वह बनल ला है जहाँ कही हाँ। और यह जो खड़ी है अभी गाड़ी यह खड़ी कह दी नहीं, अब क्या मालूम हमको। यहाँ रेता सड़क में से बेचा थे का अगर तूने बोला नहीं तो हम धंधा प्रभावित हो बेचारे के जो उन्होंने दो पैसा की आमदनी आत्मनिर्भर बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह मौत के एक ऐसा बाजार बन रहा है जो लोगन का सीधे सीधे मौत के मुँह में डाल रहा है। काहे कि यह पटरी सीधे सीधे मौत का दावा दे वाली एक सड़क बन रही है और रिंग रोड या मौत के रिंग रोड बनी जा लगी। खुलेआम एमा सड़कन पर यहाँ से लेके लोही से लेके अपना के आरटीओ तक खुलेआम यह में सड़कन पर अपना ये रेत के एक वाहन देख सकी थे जो सीधे सीधे मौत का खुलेआम न्योता दे थे। का नाम है भैया अपना? अरुण यादव। कहाँ से है अपना? हम पपरा से हैं। यहाँ गाड़ी घोड़ा चलाई थे? नहीं, ऐसे घूमे यहाँ। कहाँ घूमे हैं? वहाँ यहाँ रतहरा में। यह अपना आवत जा रही थी यह सड़कन में। यह बताइए यह सड़क में जो रोड के किनारे या रेता के ट्रक खड़े होते हैं एक के बारे में क्या कहा? खड़े हो चाहिए कि ना हो चाहिए? नहीं, एक लाने मंडी बनाई है। नहीं तो यह मंडी है पटरी ना है? नहीं पटरी मंडी ना है, मंडी अलग से बनाई है। तो काहे पटरी में लोग खड़ा करा थे? जिम्मेदार तो वह है ना, उन्हों के घर के लोग कबो यह सड़क के उपयोग कर सका थे, कबो दुर्घटना का शिकार हो सका थे। काहे नहीं समझ में आवे लोगन का चीज का मालिक जवाब दे सका थे, बस हम इतने कहा चाहिए थे। नहीं तो अपना का लागत है, यह सही है गलत है? नहीं अब एक लाने हम ना सही कहा हम ना गलत कहा, अब देखिए ऐसा है कि मोटर मलिक बताई ये चीज़। नहीं नहीं तो अपना खुद एक आम आदमी हुई ठीक है, अपना खुद बताई यह दुर्घटना कारण बना थे कि नहीं? हमें गाड़ी कौनो वाहन यदि हम कहते कि मान ली ओवरटेक करे चाहत है तो ओकर पटरी के उपयोग कर सकत है, और पटरी में यदि हमें गाड़ी खड़ी है तो वह ना ओवरटेक देख पाई ना कुछ देख पाई, एक्सीडेंट के शिकार ना हुई? हुई है अपनों पर खुद गाड़ी चलाई थे, बड़ी बड़ी गाड़ी चलाई थे या हम कहते बैठा थो तो यह बताई का दुर्घटना केहू के परिवार खितिर बेहतर होती? नहीं हो, ओकर पूरा परिवार ना टूट जाते है उनसे एक आदमी के जाए से। तो यह सही आए का पटरी में गाड़ी खड़ी कर, पटरी यही खितिर बनाई जाती गाड़ी खड़ी करे का? नहीं पटरी गाड़ी खड़ी बनाई है कि ये रेत बेचे खितिर पटरी होती? रेत बेचे खेती नहीं होती है, खड़ा तो कर रही है। चलिए तो अपना कब से देख रहे हैं कि हमें गाड़ी खुलेआम खड़ी होती है? हम बस आ जाए हुए भान है तब आ जाए तो देखवाए भान, अभी तब वहीं तो खड़ी हो चाहिए कि ना हो चाहिए? नहीं ये चीज़ कहाँ, अब मोटर मलिके बताई अब ये चीज़ कहाँ? नहीं तो खड़ी हो चाहिए कि ना हो चाहिए आम आदमी हो के बताई? आम आदमी किया है कि ना हो चाहिए, हो चाहिए अब हम ना बता पाऊँ भैया। चलिए तब ठीक है, अपना नहीं बतावे चाहे वह ठीक है, हमका मंजूर है। काहे कि यदि कहा थे ना एक बघेली में बड़ी कहावत थी कि चूल्हा महा गए कहे फिर सनीचर लहटा है, यह आए यही काय कहा थे कि खुलेआम यह पटरी माँ गाड़ी खड़ी होती है, बड़ी बड़ी गाड़ी रेता की गाड़ी खड़ी होती है और फिर दुर्घटना होती तब प्रशासनों अपन हाथ खड़े कह दे थे, कहा थे 4 लाख मुआवजा ले ले बस हो गया खेल खत्म। उनसे फर्क नहीं पड़े कि दुर्घटना का कम कैसा करी, लोगन के जान जो बेहद कीमती है ओका बचावा कैसा जाए। चलिए आगे वो अपना का हम दिखाई थे अपना का पल पल यहाँ हर जगह के हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट ऐसे दिखा रहे हैं कि शायद यह खबर देख के प्रशासन की आंखें खुल जाए और लोगन के बहुमूल्य जिंदगी बचाई जा सके। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। जैसा आपने बताया है इस कार इसके लिए हमारी पेट्रोलिंग जो है लगातार ट्रैफिक के द्वारा की जाती है, और जो लोग रोड पर खड़े होते हैं या जिससे विजिबिलिटी कम होती है और वो ऐसा बिना वजह खड़े होते हैं कि उनको कोई भी ऐसा यांत्रिक कोई टूटी या खराबी का कारण नहीं है बल्कि वो जान के खड़े किए हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होती है। गति के संबंध में भी हम कार्रवाई करते हैं और रोड के संबंध में भी हमारी कार्रवाई होती है, जो यातायात बिगर बाधा के चलता रहे इसके लिए लगातार यातायात की पेट्रोलिंग चलती है। अब ये जो अवधि आपने बताई है कि इस समय अवधि में वहाँ पे ज़्यादा ट्रक खड़े होते हैं और वो वहाँ व्यवसाय करते हैं, रेत को खरीद फरोख्त का व्यवसाय करते हैं, वहाँ वाहन का खड़ा होना यातायात का वो अवैधानिक है, रेत का क्रय विक्रय अवैधानिक नहीं है, उसके लिए एक स्थान भी पहले नगर निगम ने निश्चित किया था। अब आपने इस बात को संज्ञान में लाया है तो निश्चित रूप से जो अभी यातायात की जो सड़क सुरक्षा सप्ताह की मीटिंग होती है
उसमें ये बात लाई जाएगी और नगर निगम, पुलिस, यातायात, RTO ये सब मिल करके उसकी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि वहाँ पे किसी तरह का ऐसा बाधा या अवरोध उत्पन्न ना हो, विजिबिलिटी कम ना हो जिससे कोई दुर्घटना हो।